एंड वेलकम। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है। लिखिए, तो यूनिट एंड डायमेंशन की जब बात की जाती है तो सबसे पहले बात आती है यूनिट क्या होता है। यूनिट का मतलब हिंदी में होता है मात्रक। अब मात्रक क्या चीज है? जैसे मान लीजिए यदि आप लिखते हैं 5, तो सिर्फ 5 लिखने से ये पता नहीं चला कि 5 किस लिए है। ठीक है, अब यदि मैं 5 के साथ रुपए लिख दूं तो ये हो जाता है हमारे पास मात्रक। हमें मतलब पता चल जाता है कि 5 किस चीज के लिए, रुपए के लिए या करेंसी है, क्या है। इस तरह से 2 लिखूं पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैंने किलोमीटर लिखा तो पता चल गया, अच्छा ये डिस्टेंस के लिए कहा है सर। तो यूनिट या मात्रक हमारे पास वो चीज है जो हमें किसी चीज की फुल इंफॉर्मेशन देता है। तो ये होती है हमारे पास क्या, यूनिट। अब आते हैं इसके बाद टाइप के बारे में, इसके टाइप क्या होते हैं। तो यूनिट के देखिए कितने तरह के टाइप होते हैं। तो यूनिट के हमारे पास 3 तरह के टाइप होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होती है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हम हिंदी में मूल मात्रकों के नाम से जानते हैं। दूसरी हमारे पास क्या होती है? दूसरी हमारे पास होती है ड्राइव यूनिट्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हम हिंदी में व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जानते हैं। तीसरी हमारे पास आती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या आती हैं? तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती है हमारे पास पूरक मात्रक। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तरह के क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। सो वन बाय वन हम तीनों तरह के मात्रक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक हमारे पास क्या होते हैं? सो मूल मात्रक हमारे पास क्या होते हैं? मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो कि अन्य मात्रकों से नहीं बनाया जा सके। विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर यूनिट्स, विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर यूनिट्स। ठीक है, जो अन्य मात्रकों से ना बनाए जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये हमारे पास कितने तरह के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास 7 टाइप्स के क्या होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हमारे पास ये, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ मतलब क्या? लेंथ मतलब होता है लंबाई हमारे पास। ठीक है, लंबाई के बाद हमारे पास नेक्स्ट दूसरा मात्रक क्या आता है? दूसरा मात्रक आता है हमारे पास द्रव्यमान। सो ये होता है हमारे पास द्रव्यमान, दूसरा मात्रक। टाइम क्या होता है हमारे पास? समय। टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास? तापमान। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है हमारे पास? धारा। और ये क्या होती है हमारे पास? प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारे पास 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ऐसे यूनिट जो किसी और से नहीं बनाए जा सकते। कौन कौन से हैं इसकी? जैसे लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, इसका मतलब लंबाई का मीटर, मास का या द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका एब्रिविएशन मतलब शॉर्टकट में क्या लिखेंगे हम से, एम के जी सेकेंड। तापमान को हम कैल्विन या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। धारा एम्पियर, इसे हम ए से लिखते हैं। कैंडेला सी डी से लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से लिखते हैं। इसके बारे में हम भी आगे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री है, पूरक मात्रक है। तो अब आप कहेंगे, यदि मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा, सर आपने तो बोला कि लंबाई एक हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है, किसी और से नहीं बनाया जा सकता। पर सर आपने तो ये भी पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। नहीं बेटा, गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो मीटर भी एक लंबाई है और सेंटीमीटर भी क्या है, एक लंबाई है। इस तरह से आपको कहेगा कि सर किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो बेटा किलोग्राम भी क्या है, द्रव्यमान है, और ग्राम भी क्या है, द्रव्यमान है। तो इसलिए हमें इन दोनों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये दोनों एक ही चीज होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक वह होते हैं जो कि किसी अन्य मात्रकों से नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 तरह के इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स रखनी है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। बाकी इसकी पूरे की आपको जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब हम इसी के अंदर आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट यूनिट क्या आती है? नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास क्या, ड्राइव यूनिट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो कि अन्य मात्रकों से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, या मूल मात्रकों से बनाए जा सकते हैं, और उसकी कोई अंत नहीं। खूब सारे हैं। इस चैप्टर में आपको मैं सिखाने के वाला हूँ, इस चैप्टर में आपको मैं सिर्फ ये यूनिट निकालना सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यूनिट निकाली जाती है। याद आपको कोई भी यूनिट नहीं करनी है, धीरे धीरे समय के साथ साथ अपने आप याद होती चली जाएंगी। कुछ खास और कुछ स्पेशल यूनिट्स आएगी तो अपने साथ साथ बताते चले जाएंगे।
ठीक है, तो आओ चलो यूनिट निकालना सीखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला आया जिसका क्षेत्रफल का है। क्षेत्रफल मतलब क्या? एरिया। अब एरिया की यूनिट क्या होती है? लेंथ इनटू विड्थ, है ना। अब लेंथ भी किसमें? मीटर में। विड्थ भी किसमें? मीटर में। मात्रक क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ गैप क्यों छोड़ रहा हूँ आगे भी जाके बता दूंगा। चलिए आयतन की बात करते हैं। अब देखिए, ये मीटर इंटू मीटर फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना ना, है ना। फंडामेंटल मतलब मूल मात्रा को समझ के बना है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ किस में बेटा? मीटर में। विड्थ में मीटर में, हाइट में मीटर में, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन के बाद हमारे पास क्या आता है? घनत्व। घनत्व मतलब क्या होता है हमारे पास? घनत्व का मतलब होता है हमारे पास डेंसिटी। तो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। कोई कहेगा सर मुझे फॉर्मूले तो पता नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूले हमें नेक्स्ट वीडियो से या धीरे धीरे अपने आप याद हो लगेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हाँ आपको लगता है याद कर सकते हो तो मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में, लास्ट स्लाइड्स में, 3-4 स्लाइड में खूब सारे मात्रक डाल दूंगा। आप उसको याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो द्रव्यमान बेटा किसमें होता है? केजी में, है ना। और वॉल्यूम किसमें होता है? मीटर क्यूब में। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? केजी मीटर माइनस 3, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब एक आप बता दीजिए, है ना, विस्थापन। चलिए 2-3 मैं करता हूँ, उसका स्क्रीन पोस्ट करके आप ट्राई करेंगे। विस्थापन किसमें होता है बेटा? मीटर में। लंबाई है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। फिर इसका बेटा क्या आता है? वेग। वेग मतलब वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? तो वेलोसिटी हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड, मतलब विस्थापन अपॉन समय, है ना। डिस्प्लेसमेंट को टी ऐसे लिख देते हैं अपने, समय को टी से। विस्थापन किसमें बेटा? मीटर में। समय किसमें बेटा? सेकंड में। तो क्या बन जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स। अब आगे की यूनिट आप बनाएंगे। जैसे कि पहली यूनिट क्या आती है? पहली यूनिट आती है त्वरण। ठीक है, अब आप स्क्रीन पोज करके साथ साथ बनाने की ट्राई कर सकते हैं। त्वरण का मात्रा क्या होता है? वेग। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग अपॉन समय, मतलब कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। फिर आता है बल। बल मतलब क्या होता है बेटा? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू ए। ठीक है, फिर आती है हमारे पास क्या? वर्क। वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। फिर आती है बेटा हमारे पास क्या? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास? वर्क अपॉन टाइम। पावर के बाद बेटा हमारे पास क्या आता है? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर के बाद हमारे पास और बनाना चाहें तो हम एनर्जी भी बना सकते हैं। हालांकि एनर्जी भी वर्क के बराबर होती है, तो एनर्जी को छोड़िए। अब हम बनाते हैं क्या? टोर्क। टोर्क क्या होता है? बलागुन। बलागुन क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी। ठीक है, तो स्क्रीन पोज करके आप इन सभी की बनाइए। चलिए चेक करते हैं, आइए वन बाय वन। तो सबसे पहले आती है वेग की। वेग की क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड। समय की क्या होती है? सेकंड। तो क्या बन जाएगी? मीटर सेकंड माइनस टू। अच्छा, एम की क्या होती है बेटा? केजी। और इसकी क्या है? तो एम की मीटर सेकंड माइनस टू, एक्सेलरेशन यूनिट निकाली ना अपने, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम न्यूटन बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर हमें तो न्यूटन याद नहीं। कोई बात नहीं, आगे जाके याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं थी। फोर्स क्या थी बेटा? न्यूटन। स्क्वायर क्या थी? मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। फिर आती है पावर। पावर में क्या था? वर्क किसमें? जूल में। समय किसमें? सेकंड में। सो जूल सेकंड इनवर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वाट बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है बेटा प्रेशर। फोर्स किसमें बेटा? न्यूटन में। एरिया किसमें बेटा? मीटर स्क्वायर में। क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर माइनस टू। इसको हम क्या कहते हैं? पास्कल। बलागुन। बलागुन एफ किसमें? न्यूटन में। आर किसमें? मीटर में। इसको न्यूटन मीटर ही कहते हैं, ध्यान रखें इसे जूल नहीं कहते। कई बुक्स में या कई टीचर को कहीं कुछ ऐसा अलग बुक्स में अलग तरीके से लिखा मिलेगा, पर आंसर इसको न्यूटन मीटर ही कहते हैं। और आपको मैं इसको बताता हूँ, आप कार का कभी एडवर्टाइजमेंट देखना, आपको न्यूटन मीटर लिखा हुआ मिलेगा, तो टोर का कभी इसे जूल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग यूनिट्स है और ये इनको निकालने का तरीका है बस। अच्छा, कई ऐसी यूनिट्स भी आएंगी जिसमें यूनिट ही नहीं दी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल बनते हैं तो हमें कहते हैं अपवर्तनांक, ठीक है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जिसे हम कहते हैं, जिसे हम न्यू सीखते हैं, 10th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है, सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अब देखिए, ऊपर की स्पीड ऑफ लाइट इसमें मीटर पर सेकंड में, नीचे भी जिसमें है मीटर पर सेकंड में, तो क्या आएगा? ये यूनिटलेस। यूनिटलेस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में इसे हम कहते हैं मात्रकहीन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास और क्या आएगा? हमारे पास और आएगी स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या होता है हिंदी में? विकृति। अब विकृति क्या होता है? तो विकृति होता है हमारे पास लंबाई में परिवर्तन,
अपॉन ओरिजिनल लंबाई या मूल लंबाई। अब लंबाई में परिवर्तन ही मूल में और मूल लंबाई भी मूल में, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यूनिट लेस बन जाएगा। ठीक है, अब विकृति के बाद हमारे पास आता है क्या, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक फ्रिक्शन कोफिशियंट। यदि फ्रिक्शन कोफिशियंट की बात करें तो हमारे पास फ्रिक्शन कोफिशियंट क्या होता है, एफ बराबर म्यू एन। तो ये जो म्यू होता है इसे हम फ्रिक्शन कोफिशियंट कहते हैं, कितना होता है एफ बटे एन। अब एफ भी न्यूटन में होता है हमारे पास और एन भी न्यूटन में होता है हमारे पास, तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, तो ये भी क्या आएगा बेटा, यूनिटलेस आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मात्रक पद्धति, टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम, टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो कितने तरह की मात्रक पद्धति है हमारे पास, जनरली फोर तरह की। कौन कौन सी, एक है बेटा एम के एस, एम मतलब किलोग्राम, सॉरी एम मतलब मीटर। ठीक है, एम मतलब है मीटर, लंबाई के लिए एम मतलब मीटर। के मतलब क्या है बेटा, किलोग्राम केजी, और एस मतलब क्या है बेटा, सेकंड। तो ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई के लिए क्या लिया जाएगा, मीटर, द्रव्यमान के लिए क्या लिया जाएगा, केजी, और समय के लिए क्या लिया जाएगा, सेकंड, उसे हम क्या कहेंगे, एम के एस सिस्टम कहेंगे। फिर बेटा आती है सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, जी मतलब ग्राम, एंड एस मतलब सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है क्या, सीजीएस के अंदर, सीजीएस सिस्टम में समय की लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, और समय के लिए जो हम सेकंड लेंगे तो हम सीजीएस सिस्टम। अब मैं सब बताऊंगा कैसे क्या करना है। एफपीएस, एफपीएस सिस्टम, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। लंबाई के लिए इसमें हम क्या लेंगे, फुट, ठीक है, और मास के लिए, द्रव्यमान के लिए क्या लेंगे, पाउंड, और समय के लिए हम क्या लेंगे, सेकेंड। तो इससे हम एफपीएस सेकेंड कहते हैं ना, एफपीएस सिस्टम कहते हैं। अच्छा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, 1 मीटर में लगभग लगभग 3 फुट होते हैं, आप ऐसे याद रखिए। यदि मान लो आपको ये नहीं याद रहता, तो जो 30 सेंटीमीटर का स्केल आता है वो 12 इंच का होता है, और 12 इंच में क्या होते हैं, 1 फुट होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या आता है, इसके अलावा और आता है कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 पाउंड में अप्रोक्सीमेट 453.592 ग्राम होते हैं, पर हम कैलकुलेशन के लिए कितने ग्राम लेते हैं, 455 ग्राम लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है सीधा सीधा। फिर आता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। इसमें क्या था बेटा, इसमें ये था कि आप ऊपर जो सिस्टम पढ़े होंगे, ऊपर जो भी सिस्टम पढ़े, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, इन तीनों में तीन तीन रूप है, सिर्फ तीन तीन नहीं है ना। ऐसा ही सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें इसमें ये सारे फंडामेंटल सात के सात तरह की क्वांटिटी है। ठीक है, सॉरी, सात, ये वाली सातों तरह के मूल मात्रक जो है इसमें लिए गए हैं ऐसा ही सिस्टम के अंदर। तो ये होते हैं हमारे पास अलग अलग सिस्टम। सर क्या सर हर बार एक ही सिस्टम चलेगा, नहीं बेटा, आपके ऊपर है, जो आप चलाना चाहें, जब जैसे जरूरत हो कोई सा सिस्टम चला सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बना के बताऊँ। जैसे फुट की, जैसे फोर्स की बात की गई, तो फोर्स का बेटा हम बात करें एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ी थी क्या, केजी मीटर सेकंड माइनस टू, क्योंकि एसआई सिस्टम में कौन से मात्रक उठाए गए हैं, सारों के सारे मूल मात्रक। और आप ध्यान दीजिए कि मूल मात्रक के अंदर हमने लंबाई का मात्रक क्या माना था, मीटर, द्रव्यमान का केजी, और समय का सेकंड। इसलिए एसआई सिस्टम में एम के सिस्टम से मिलता जुलता होगा, और इसे हम न्यूटन कह दीजिए। तो एम के एस में क्या हो जाएगा, एम के एस में हो जाएगा केजी मीटर सेकंड माइनस टू। ठीक है, सीजीएस में क्या होगा, जनरली आपको ऐसे सिस्टम सुनने को मिलेगा, सीजीएस में केजी यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ग्राम, मीटर यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड, सेकंड यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड माइनस टू। देखो केजी था लंबाई, सॉरी द्रव्यमान, क्या आ गया, ग्राम आ गया, सीजीएस में चले दो। मीटर था, क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया, सीजीएस में चले दो। ठीक है, सेकंड था है ना, तो सेकंड माइनस टू आ गया, सेम सेकंड का सेकंड रख दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाई। ठीक है, फिर आता है बेटा एफपीएस, फुटपुट। तो केजी क्या है बेटा, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का यहाँ क्या था, पाउंड, तो इसको स्पीडी से एडजस्ट कर रहा हूँ। मीटर सेंटीमीटर था, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, फुट आ जाएगा, तो एस। तो ये भैया सारे हमारे पास क्या है, यूनिट्स हैं अलग अलग तरह की, इसको जैसे हम न्यूटन कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, जैसे कई बार इसके अंदर क्वेश्चन आया था कि बताइए एक न्यूटन में कितने डाइन होती है, एक न्यूटन में कितनी डाइन होती है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, न्यूटन, न्यूटन किसके बराबर था, केजी मीटर सेकंड माइनस टू। अब आपको कुछ नहीं याद, जो देखो कैसे करना है, आओ हमें क्या करना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम साइड में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर साइड में, सेकंड में सेकंड ही था, पढ़ लेंगे। अब ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10 की पावर 5, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइन। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन हो गए, 10 की पावर 5 है, सिंपल है ना। तो आपको करना है 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती है ना, ऐसे छोटे जो जाती है, 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन होते हैं। ये अनुभक्त आने पर रहने में बताऊंगा, पर अभी आप ऐसे याद रखते हैं, 1 गर्लफ्रेंड 980 डाइन के बराबर होती है ना, आपको अच्छा मोटिवेट देगा ये पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे कि वर्क, वर्क की यूनिट क्या थी, तो वर्क यूनिट थी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। ये कौन सी बेटा, यह है एमकेएस यूनिट, इसे हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। सीरीज में क्या बनेगा, केजी की जगह आ जाएगा बेटा ग्राम, मीटर की जगह क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड की जगह आ जाएगा सेकंड माइनस टू, इसे हम क्या बोलते हैं, अर्ग। हो सकता है कई बच्चों को पता हो, पर फिर भी आप एक बार ट्राई करिए, 1 जूल में स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए, कितने अर्ग होते हैं। जिनको याद है अच्छी बात है, ठीक है, तो बताइए 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, जूल किसमें था बेटा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू, इसे हमें अर्ग बनाना है। तो 1 केजी, केजी कितने ग्राम होते बेटा, 1000 ग्राम, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते बेटा, 100 का स्क्वायर, सेकंड तो सेकंड है ही है ना, सेकंड तो सेकंड ही है। तो ये बेटा कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 7। तो इस तरह से 10 की पावर 7, ठीक है। कई बार एयर फोर्स में आ चुका है क्या कि इसकी यूनिट किसकी, तो कई बार एयरफोर्स में आ चुका है इसके बारे में, शांता गुणांक की यूनिट पूछी जा चुकी है। तो शांता गुणांक की यूनिट देखिए क्या होती है, कैसे निकालते हैं, तो एफ बराबर ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाय डीएक्स। यहाँ एफ क्या है हमारे पास, बल, ईटा क्या है शांता गुणांक, ए क्या है एरिया, डीवी क्या है चेंज इन वेलोसिटी, आप वेलोसिटी मान के चलिए मीटर पर सेकंड में, और डीएक्स क्या है मीटर में। तो आपके लिए एक तरह से ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि इस ईटा का मात्रक क्या होगा, सीजीएस में भी एमकेएस में भी, और दोनों के अंदर संबंध क्या होगा, ये भी आपको बताना है, ये सारा आपको करना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बहुत रेयर केस में काम आने वाला टॉपिक है। इवन तो ये बात कि आपको जितना बताऊंगा उतना याद नहीं जुड़ते, बाकी याद नहीं जुड़ते नहीं आपको, है ना, ठीक है। कैसे है क्या है, आइए चलते हैं इस बारे में सुनिए। तो सप्लीमेंट्री यूनिट जिन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक मात्रक भी कहते हैं। क्या होते हैं पूरक मात्रक, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पूरक मात्रक हमारे पास 2 तरह के हैं, कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास प्लेन एंगल और दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हमारे पास क्या होते हैं, प्लेन एंगल हमारे पास समतल एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हमारे पास क्या होता है, ठोस कोण हो गया, ठीक है। अब प्लेन एंगल हमारे पास क्या है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे यदि हम बात करें रोटी की, तो जैसे मान लीजिए हमारे ये रोटी इस तरह से रखी हुई है, तो यहां पर हमारे पास इस तरीके से थीटा डिग्री एंगल पर हमारे पास क्या है, एक आर्क, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आर्क, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। यह हमारे पास क्या है, रेडियस। सो थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब देखिए आप इसमें पूरक मात्रक में अलग से खास बात क्या, आर्क किसमें, मीटर में, रेडियस किसमें, मीटर में। तो इसका मात्रक होना नहीं चाहिए, ऊपर ही मीटर नीचे मीटर, लेकिन फिर भी इसका मात्रक होता है कितना, रेडियन, ये इसमें खास बात है। और ये सबको पता होगा कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वैसे तो यहां तक ही याद करने के लिए ठीक है, पर फिर भी कुछ बातें आपको याद करना चाहो कर सकते हो, जैसे कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, जिसे हम आर्क मिनट कहते हैं, ध्यान रखिए 60 आर्क मिनट कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसी के अंदर ही हम आगे बात करें, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि प्लेन एंगल मैक्सिमम कितना होता है। हालांकि इसके मैक्सिमम कोई वैल्यू नहीं है, पर यदि आपको ऑप्शन से पूछा जाता है तो देखिए कैसे करना है।
अब सोचिए आप यदि आर्क की बात करें तो पूरी की पूरी आर्क उठा ले आप, पूरी की पूरी आर्क उठा ले तो मतलब पूरी की पूरी आर्क की लंबाई क्या होगी बेटा, तो पूरी की पूरी आर्क की लंबाई होगी 2 पाई आर। वृत्त है, वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस अपॉन आर, सो थीटा बराबर क्या आ गया 2 पाई आ गया हमारे पास। ठीक है, ये पूरी की पूरी आर्क। अब आता है हमारे पास दूसरा क्या, दूसरा आता है हमारे पास ठोस कोण। ठोस कोण क्या होता है, आप स्क्वायर के ऐसे कोण से है ना, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, ऐसे आपने यदि सॉफ्टी कभी खाई हो तो सॉफ्टी जैसे मान लीजिए ऐसे होगी मुझे, तो सॉफ्टी में यहां पर एक कोण बनना होगा ये 3D के अंदर। इस कोण को हम ठोस कोण कहते हैं, जिसे हम ओमेगा या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला एरिया अपॉन ये वाली डिस्टेंस आर, तो इस एरिया अपॉन आर के स्क्वायर को हम ठोस कोण कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है स्टे रेडियन। ठीक है, यूनिट क्या होती है, स्टे रेडियन। और इस पूरे की जानकारी हमें यहाँ पे जो जितना काम का है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये है, इसके अंदर हमने यहां तक पढ़ा। अब हमें अलग अलग तरह की जो है मात्रक, यूनिट्स वगैरह आपको यदि चाहिए तो आपको इसी के अंदर PDF के अंदर नेक्स्ट स्लाइड पे इस पे या इस पे आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। सो ये हमारी थी आज की वीडियो, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, मात्रक और विमाओं के बारे में पढ़ा है। अभी सिर्फ मात्रक निकालना सीखे हैं, अभी आपका काम क्या है, जो मैं यहाँ पर दो ब्लैंक स्लाइड है मात्रक विमाएं देने वाला हूँ, जो आपको PDF में मिलने वाली है, उनको आपको दो चार को चेक करना है कि आप निकालना सीखे हैं नहीं सीखे। नहीं सीखे हैं तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आप अपने डाउट रख सकते हैं, उन्हें डिस्कस कर लिया जाएगा। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।